हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ दोस्तों मथुरा। यहाँ पर दोस्तों आज जन्माष्टमी है, तो यहाँ पर कैसे मनाई जाती है जन्माष्टमी वो सारी वीडियो आपको हम इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो ये दोस्तों मथुरा जंक्शन है, यहाँ पर बड़े बड़े स्टेट से, लगभग हर एक स्टेट से ट्रेनें यहाँ पर आती हैं। तो दोस्तों इसी के बगल एक न्यू बस अड्डा है, यहाँ से दोस्तों कृष्ण जन्मभूमि मात्र 2 किलोमीटर है। अगर आप पैदल जाने में इच्छुक हैं तो यहाँ से आप पैदल जा सकते हैं, नहीं तो आप 10 या 20 रुपए देकर ई रिक्शा कर कृष्ण जन्मभूमि जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोकुल और वृंदावन। तो दोस्तों यहाँ पर गोकुल 30 किलोमीटर है मथुरा जंक्शन से, और वृंदावन भी दोस्तों मथुरा जंक्शन से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों आप पीछे जो ये सीन देख रहे हैं मथुरा जंक्शन का, ये बैक साइड है। तो अभी दोस्तों हमारी ट्रेन जो है लास्ट वाले प्लेटफॉर्म पर लगी थी, जिसके कारण दोस्तों हमें बैक साइड आना पड़ा। तो दोस्तों इसका जो फ्रंट व्यू है मथुरा जंक्शन का, उसको भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर मथुरा जंक्शन का फ्रंट व्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं, मेरा दोस्त और श्रेया आए हुए हैं मथुरा जंक्शन पर जन्माष्टमी देखने के लिए। तो आज दोस्तों हम लोग जाएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि और गोकुल, उसके बाद दोस्तों हम लोग वृंदावन निधिवन घूमते हुए फिर से हम प्रयागराज पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों कृपया करके आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर दोस्तों मैं और मेरा दोस्त और श्रेया आ चुके हैं। तो इस वक्त दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं गोकुल। यहीं पे श्री कृष्ण जी के पिताजी उन्हें मथुरा से इसी नदी के द्वारा गोकुल में पहुंचाया था। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यमुना जी बहुत ही ज़्यादा बाढ़ी हुई हैं, पानी पूरे घाट तक पहुंच चुका है। ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं यहीं तक घाट को बनाया गया है। तो काफ़ी सारे श्रद्धालु लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, आज काफ़ी सारी भीड़ देखने को मिल जाएगी आपको। तो ये दोस्तों गोकुल स्टेशन से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर अगर आप बुकिंग करके आना चाहते हैं तो यहाँ पर आने का किराया दोस्तों 300 रुपये। तो ये दोस्तों आपको हमेशा खुला देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बोट भी कई सारी यहाँ पर चलाई जाती हैं श्रद्धालुओं को घुमाने के लिए। तो शाम को दोस्तों यहाँ पर आरती होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक बोट जो है कि श्रद्धालुओं को घुमा रही है। तो अभी चलते हैं दोस्तों आपको अंदर लेकर, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने यहाँ की मिट्टी खाई थी और यहीं पे पले थे। तो दोस्तों हमारा गोकुल है प्यारा सा, इसके अंदर दोस्तों कई सारे पांडे लोग हैं जो कि बहुत सारे श्रद्धालुओं को परेशान करते हैं। तो ये दोस्तों मेरी तीसरी बारी है यहाँ पर, तो मैं चलता हूँ दोस्तों आप सभी को अंदर लेकर, उसके बाद मैं चलूँगा दोस्तों मथुरा जन्मभूमि, उसके बाद शाम को चलेंगे दोस्तों हम लोग निधिवन, उसके बाद वृंदावन। तो उस वक्त भी दोस्तों ये जो यमुना नदी थी काफ़ी ज़्यादा उफान पर थी, जब तक श्री कृष्ण ने अपना पैर इन्हें यमुना जी को टच नहीं कराया तब तक वो नीचे नहीं गई। तो कुछ इस प्रकार का है दोस्तों हमारा गोकुल। तो चलते हैं दोस्तों आपको अंदर लेकर। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर गाइडर चाहिए होता है तो यहाँ पर आपको 200-300 रुपये आपको गाइडर मिल जाएंगे, वो आपको पूरी जानकारी यहाँ की दे देंगे। तो सामने दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बांध बनाया गया है, ताकि पानी को इकट्ठा कर इसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा जाए। तभी दोस्तों सारे के सारे बांध को खोल दिया गया है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ है तो बाढ़ आने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। इसी कारण दोस्तों यहाँ पर पानी के बहाव को खोल दिया गया है। तो दोस्तों चल के देखते हैं जन्माष्टमी का गोकुल में किस प्रकार की तैयारी हो रही है। आज दोस्तों मुझे पहले से ज़्यादा काफ़ी सारे यहाँ पर दुकानें दिख रही हैं और काफ़ी सारी यहाँ पर भीड़ आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि पहले हमें इतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप नहाना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप स्नान कर सकते हैं, अलग से यहाँ पर
एक घाट बैरिकेटिंग द्वारा बनाया गया है। और अगर आप नाव की सहायता से सैर करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति का 60 रुपये है, आप इस पर राउंड ले सकते हैं। तो इस वक्त दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ठकुरानी घाट। तो ये दोस्तों हमारी लस्सी है गोकुल की, और ये अफ्ताब भाई और ये श्रेया। तो हम तीनों दोस्तों आज लस्सी खा रहे हैं, पी रहे हैं ना लस्सी पी रहे हैं दोस्तों। तो ये गोकुल की लस्सी है दोस्तों, अंदर पेट हो जाएगा, अभी पेट हमारा ठंडा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं नंदलाल भवन। तो साथियों यही वो आंगन है जहाँ श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए स्वयं शंकर जी पधारे हुए थे, लेकिन यशोदा मैया ने उन्हें मिलने से मना कर दिया। तो ये है दोस्तों श्री कृष्ण जी की मंदिर, और ये रही पूतना। अभी तक हमने घूमा दोस्तों श्री नंद यशोदा भवन। ये अभी तक जो हमने दृश्य देखा, ये अंदर का बहुत ही अच्छा दृश्य था, जो श्री कृष्ण जी से मिलने स्वयं शंकर जी आए हुए थे, जिसे हमने आपको आंगन में दिखाया था। और आज जन्माष्टमी भी है दोस्तों, आज बहुत ही अच्छी सजावट और भीड़ काफ़ी सारी देखने को मिल जाएगी आपको यहाँ पर। रास्ते में आपको कई सारी दुकानें मिल जाएंगी सजी हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लगती हैं मन को। गोकुल घूमने के बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं जन्मभूमि। तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 10 और हम लोग पहुंच चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु लोग जन्मभूमि पर आए हुए हैं। 150 रुपये, 150 रुपये, फैंसी घड़िया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जन्मभूमि के बाहर ही कई सारी मीडिया की जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई हैं। यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट आपको रात के समय दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल दोस्तों अभी आपको यहाँ पर 8 गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, जो सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया की यहाँ पर परमिशन है खड़ी करने को। यही है श्री कृष्ण जन्मभूमि, यहीं पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु लोग आज ही के दिन भारी मात्रा में दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मंदिर का खुलने का टाइम है दोस्तों सुबह 6:30 बजे यहाँ पर मंदिर खुल जाता है, और कपाट खुलने का टाइम है दोस्तों सुबह के 9 बजे। जन्माष्टमी के दिन दोस्तों भगवे रंग में रंगा मथुरा का ये मंदिर, जिसे हम कृष्ण जन्मभूमि भी कहते हैं। जन्मभूमि के बगल ही दोस्तों आपको एक भव्य तालाब मिल जाएगा, जिसमें रात के समय यहाँ पर लाइटिंग की जाती है, फुहारे को चलाया जाता है, जो कि बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखाई पड़ता है। रास्ते में हमें कृष्ण और राधा जी की कई सारी झांकियाँ देखने को मिल रही थी। साने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी,
सुन बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी ये बहिया गोरी गोरी तोरी बहिया गोरी गोरी रे सुन बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी गाना काटे मुटना चुटकी तेरी फूट जाएगी मटकी अरे नखराली बरसाने की छोरी मान जा।